है पान सिंस 1943 से। इस पान की दुकान की क्या खूबियाँ है, कितने तरीके के पान मिलते हैं यहाँ पे, क्या प्राइस है, क्या टेस्ट है, आइए चलते हैं बात करते हैं दुकान के ऑनर से और देखते हैं। तो जैसा कि हम दुकान के अंदर आ गए हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ कितनी तरीके की वैरायटी है। और पहले मैं तो एक ऑनर से बात करता हूँ, बताता हूँ कि ये एक फोटो भी देता हूँ आपको कि ये इसका हिस्ट्री क्या है, शॉप की हिस्ट्री क्या है। सर जी नमस्कार, हरिओम पांडे, और ये मेरे ग्रैंड फादर ने स्टार्ट की थी, आज तक हम लोग फादर के अंदर काम करते हैं। और ये जो हमारी हिस्ट्री में है कि 43 से इस बिजनेस में है, और ये तीसरी पुस्त है जो काम करती है, तीसरी जो काम करता है, और ये टबैको फ्री ऑपरेट है हमारा, इसमें कोई भी प्रकार का टबैको नहीं है। और हमारा इन लोगों ने पान का ही कल्चर बगैर टबैको के लिए कहा है, जैसे जनता है उर्दू शब्द है टबैको यूज वर्ड है, हमने कोई भी नाम था इसलिए इसको बिरला उठाया गया, लोग कहते थे अच्छा किसी ने भी कहा कि बिंदु उठाई या प्यार उठाया, क्योंकि बहादुरी का काम होता था। और आज भी हमारे किसी भी शादी विवाह या किसी भी फंक्शन में या कोई भी पूजा बगैर पान के अधूरी है, पर जब इस पर विदेशी आक्रमणों के बाद पान के साथ जर्दा जुड़ गया, और जर्दा जुड़ने के बाद इसे स्पीकिंग कल्चर चालू हुआ, इसमें से पान को प्रसाद से तो आप सकते नहीं, पर जब जमाटू अंदर पड़ गए या जर्दा पड़ गए तो आपको चुकना पड़ेगा, और पान प्रसाद के रूप में कभी नहीं थकना चाहिए। तो हमने उसी को फॉर्म को दोबारा से रेडीमेड करके से अच्छे से जाके बढ़ा रहे हैं, और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग अच्छा। तो मतलब ये बिल्कुल टबैको फ्री है, मतलब बच्चों को नहीं, जो पान तो सभी के लिए था शुरू से ही, पर लोगों ने इसलिए से नजरअंदाज करने लगा क्योंकि यहाँ टबैको, कई पान वाले देखो सिगरेट बेच रहे हैं, उसमें दिमाग लगा के बेच रहे हैं टबैको, जब पान बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, इसी वजह से लोग अपने बच्चों को बचाते हैं, किसी ने दुकान पे नहीं जी, पर हमारा तो सब बिल्कुल फैमिली का। पहले कॉन्सेप्ट था कि जब शादी में गए शादी से किसी भी खाना करके बाद, चाहे सुबह का खाना, चाहे दोपहर का खाना, चाहे रात का खाना, उसके बाद डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए पत्ते के अंदर पेप्सिन एंजाइम है जो मूत्र डाइजेशन है, ग्लूकन में और शुगर है, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल मिलती है। उसी के साथ हमने इसको मॉडिफाइड कर दिया, इसमें रियल फ्रूट्स वेजेस और नट्स के साथ कोई क्रशेस कोई सिंथेटिक पेस्ट नहीं इस्तेमाल करते, जरा सा भी डाउट होगा आप यूज करेंगे आपको फ्रूट और वेज सब। ओके, तो मतलब आप जो यूज कर रहे हैं इसमें सबसे फ्रूट्स है, और उसके अलावा कभी कुछ है, बेरीज है, नट्स है, और रेगुलर मीठा भी है, सारे अच्छा। और इसीलिए तब से हम लोग ना राष्ट्रपति भवन में सप्लाई कर रहे हैं, जो भी फॉरन डेलीगेशन आता है उसको हम लोग। तो गाइस मैं बता दूं पहले कि ये दिल्ली की पहली ऐसी शॉप है जो पान सप्लायर्स तथा प्रेसिडेंट हाउस, ये सीधे प्रेसिडेंट मतलब जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे दिल्ली में, जो भी आते हैं हाई प्रोफाइल लोग, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, लाइक हमारे ट्रंप हो गए, ओबामा हो गए, वो इनको पान सप्लाई करते हैं। जो अभी फिलहाल ट्रंप आए थे, ओबामा आए थे, उनको एक नया पान अपने साथ सर ट्रंप के लिए वॉफल पान बनाया सर, जो कि ये इस तरह से है, ये वॉफल कोन के अंदर पान है पूरा, और इसको मैप मशीन में हमने इसकी फिलिंग करी, इसकी 30 दिन इसकी सेल्फ लाइफ है, इसको फ्रिज में रखिए और ना रखिए, ये हमारे गिफ्टिंग पर्पस से जाता है, चॉकलेट वाला जो हमने ओबामा के लिए सब किया था वो चॉकलेट देखा। कितनी वैरायटी पान के पास होती है सर? हमारे पास वैरायटी 70-80 कंपनी से ही रहती है, पर जो सीजनल फ्रूट्स बेरीज और नट्स आते जाते हैं इनके साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करके उनको बनाते रहते हैं। जैसे अभी आपको मैं 4-5 पान ट्राई कराता हूँ, इसमें आप ट्रंप वाला ट्राई करिए, ओबामा जी को जो खिलाया था वो ट्राई करिए, इस तरह से 3-4 डे वॉफल दिल्ली वाली पान है, ये हमने टर्म के लिए बनाया था, अब इसको खोलिए, इसमें जो ये वॉफल कोन है ये कॉर्न फ्लावर का बना हुआ है, इसके अंदर प्रॉपर पान मिलेगा, आइसक्रीम की तरह बाइट करिए सर, जैसे पान ये देखिए वॉफल पान हमारा है, और इसे ट्रंप ने खाया था, ब्लू बेरी वॉफल है, इसमें कई सारे टेस्ट है, चॉकलेट बटर स्कॉच ब्लू बेरी, इसका क्रंच देखिए फ्रिज में रखने के बाद भी 1 महीने तक ऐसे रहे, एकदम क्रंची है ये, और अंदर आते देखो ये मारा, ये नेचुरल मारा सब कुछ ना, ये दुकान है पान भी देखेगा आपको बाइट करेगा तो देखो हमें आपको पान दिख रहा होगा नंदा पान आपको। सबसे अच्छी बात इस पान की थी आप खा गए आपको मुंह मेल्ट हो रही है, और देयर इज नो नीड टू स्प्लिट, जो बाहर के पान खाते हैं आप टबैको होता है उसमें आपको बड़ा थूकना पड़ता है, मैं थूकने की जरूरत नहीं है इसको, बहुत टेस्टी है। चॉकलेटी पान है ये, देखो गाइस इसको
ये ऊपर से पूरा चॉकलेट है और अंदर आई थिंक आपको दिख रहा होगा पान है, अंदर में पान का पत्ता है। अभी आप बाइट करने दिख जाएगा। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें से। और फाइनली सर ये हमारा माधुरी पान है ना? जी माधुरी पान। सर इसकी क्या हिस्ट्री माधुरी पान की? माधुरी दीक्षित थाने आते थे एमएफ हुसैन साहब के साथ। एमएफ हुसैन साहब ने वो पेंटिंग हमें गिफ्ट करी थी, 6x6 की पेंटिंग है। इसमें हनुमान जी संजीवनी बोधी जगह पान के पत्ते ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, और रिक्वेस्ट करते हैं इसका नाम माधुरी रखिए। तो हमने इस पर माधुरी का स्टिकर नहीं लगाया, पर लोग इसे माधुरी वाला पान ही कहते हैं। लीफ जो है जगन्नाथ की, लीफ उड़ीसा से हम उड़ीसा का जगन्नाथ पुरी से। गाइस देखो इसके अंदर ग्लूकोन फिलिंग है। और इसका सबसे बड़ी बात की जो पान का पत्ता है, जो ये और रेड़ी रही है, ये हमारा उड़ीसा से आती है। तो ये टेस्ट देखते हैं कैसा है। जैसा कि लोग नॉर्मल सोचते हैं कि पान जो होते हैं वो तुबैको होते हैं पान में, तो बच्चों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बट आप देख सकते हैं हमारे बच्चे जो हैं ये शौक से पान खा रहे हैं। तो बच्चे कैसे, ये पान कैसा लग रहा है आपको? पान कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? नाइस नाइस। सर ये जो आप बच्चों को पान खा रहे हैं, आप मतलब सेटिस्फाइड है, मतलब खुश है इससे कि मतलब आप, ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि यहाँ का ही पान आप गलत चीज खिला रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली बच्चों को क्या होता है कि पान जब बच्चों खिलाते हैं, बड़े लोग बहुत अवॉइड करते हैं बच्चों पान ना खाए। तो आप जी सबसे पहले चीज मैं बता दूंगा अबाउट पांडे पान की, दिस इज ये जो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, दिस इज विदाउट प्योरली एंड प्योरली फ्रूट एंड वो वाला कॉम्बिनेशन। तो राइट फ्रॉम एज ऑफ 4 साल से लेके 100 साल तक के लोग इसको खा सकते हैं। तो कम्प्लीटली टोबैको फ्री है। एंड जैसा कि सर का एक स्लोगन भी है, जस्ट टू बी गन नॉट टू बी स्प्रेड।